है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन पनीरी सैंडविच की। तो उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, 2 कप मैंने मैदा लिया है, ठीक है, इसको मैं बाउल में ले लूँगी। सबसे पहले मैं उसकी डो बनाने जा रही हूँ ना, पनीरी सैंडविच के जो हमने डो बनानी है, मतलब उसके जो हमें सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड चाहिए होगी उसकी हम डो बना लेंगे। तो ये जी मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें मैं तकरीबन 1, 2 और ये 3 टेबलस्पून जो सा है वो मिल्क पाउडर के डाल दूँगी और ये 1 टेबलस्पून मैंने पाउडर शुगर लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट लिया है और इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच भर के ईस्ट का ये डाल। ये चीज़ें भी हमारी हो गई, हमने सारी जो ड्राई चीज़ें थी जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ बस के इसलिए कि बस मेरी मेन बात आपको पता चल जाए और ज़्यादा जो सा वीडियो लंबी ना हो। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो जी ये मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं तकरीबन ये मैंने 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लिया है, ठीक है, ये ऐड कर दूंगी अब। पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें हसबे ज़रूरत जो हमें दूध चाहिए होगा, दूध भी मैंने जो है ना वो नीम गर्म ही लिया है, मतलब हल्का कोसा, ना ज़्यादा वो गर्म है और ना ही ज़्यादा वो ठंडा है, समझे एक तरह का रूम टेम्परेचर पे ही है, मतलब कोसा होना चाहिए। ये मक्खन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मैं इधर वॉक में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसी में मैं इसको ढांप के रख दूँगी और ज़रा मेरे लिए इजी रह जाएगा। और ये अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी, इस पर लगा मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर दूध लिया है, तो देखते हैं कितना इसमें जाता है। सारा ही चला इसको अच्छे से गूंद लेते हैं, गूंद के फिर इसको जो सा है वो रेस्ट देने के लिए हम रख देंगे। यहाँ पे मुझे थोड़े से दूध की और जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा जो लेंगे। अच्छे से अब इसको गूंद लेंगे और इसको तकरीबन जो सा अगर आप ओवरनाइट रख लें तो क्या ही बात है, कम से कम 4-5 घंटे या इस तरह से रख लेने तो कोई नहीं, 1 घंटे तक ये फूल जाएगी। तो फिर जो सा इसके हम सैंडविचेस बना लेंगे। मैं इसको ज़रा ज़्यादा टाइम के लिए रखूँगी क्योंकि मुझे ज़रा सैंडविच ब्रेड जो सी है ना वो अच्छी चाहिए, तो मैं इसको ज़रा ज़्यादा रेस्ट दूँगी। अब इस तरह से इसको बीच में मैं इसको एक या दो दफ़ा दोबारा से गूंद भी लूँगी। मैं इसको रख देती हूँ ढांप के। तो इसको तकरीबन 2-3 घंटों के लिए हम रख देंगे, जब तक ये साइज में डबल नहीं हो जाएगी, और बीच में 1-2 दफ़ा इसको दोबारा से मतलब भून लेंगे और फिर फूलने के लिए रख देंगे। तो ये थी जी हमारी पनीरी ब्रेड की रेसिपी। तो बाकी जैसे कि ब्रेड रेडी हो जाती है डो, तो इसकी ब्रेड करके फिर उसके सैंडविच की तरफ जाएंगे, मेकिंग की तरफ। ओके जी फ्रेंड्स, तो इसको ना तकरीबन 9-10 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे से अच्छे से इसको बोल दूँगी।
बस करती है इसको। कितने सॉफ्ट सी और स्मूथ सी जो है ना ये डो बनी है। अब इसके इक्वल से पेड़ बना रहे हैं। डस्ट कर देती हूँ और इनको हम बेल लेंगे। अच्छा, पेड़ों को हमने कोशिश करनी है कि हमने इनको ओवल शेप में ना बेलना है, क्योंकि सैंडविच इसका ज़रा लॉन्ग शेप में होता है। तो इसको इस तरह से रख के ऐसे हाथ की मदद से पहले शेप दे देंगे और इस तरह से इसको लंबा बेल लेंगे ऐसे। थोड़ा सा इसको गर्म फैला के इस तरह से ये ओवल शेप के हम बना के तो इनको ट्रे में रखते जाएंगे। इसी तरह से मैं ये सारे बेल लेती हूँ और इसको ट्रे में रखती जाऊँगी और इनको भी हमने रेस्ट देना है। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से ये बेल के तो मैंने इनको रख दिया। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी, क्योंकि तो मैंने ओवन को थोड़ा गर्म रखा है ताकि जल्दी से ये डबल हो जाए, क्योंकि उसको रेस्ट देंगे ये अपने साइज़ पर डबल होंगे, फिर उसके बाद इनको हम बनाएंगे। ये जब तक ब्रेड बन के जो सा है वो होती है रेडी, तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। फिलिंग के लिए जी ये देखिए मैंने चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, तो इनको मैंने मसाला लगा के रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। तो इसमें मैंने तकरीबन एक चम्मच जो सा है वो पेपरिका पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने नमक लिया है और सब तकरीबन मसाले 1 टीस्पून के बराबर हैं। सूखा धनिया पाउडर लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है, हल्दी ली है और साथ में एक चम्मच इसमें मैंने जो सा है ना वो सिर्फ दही का एक चम्मच डाला है और अदरक लहसुन का भी इसमें एक चम्मच है। तो अब इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो सा है वो तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, तो इसमें मैं ये डाल दूँगी। एक तरह का इसको हमने ग्रिल करना, तो अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो इसको इस तरह से बस बना लें। सॉरी अगर आपको शोर आ रहा है, क्योंकि कई बार यहाँ पर फिरने लगी हुई है फिर लेके। तो अब इसको जो सा ना दरमियानी आँच पे रख के इसको मैं ढाँप के रख देती हूँ, इसको पकने देंगे अच्छी तरह से, दोनों साइड से इसको बना लेंगे जी। तो जब तक चिकन हो रहा है तो उसके बाद इसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है तकरीबन मैंने प्याज ले लिया है और शिमला मिर्च भी होती है साथ में, लेकिन वो मिली ही नहीं हमें तो इसलिए मेरे पास घर में भी नहीं मौजूद थी, तो उसकी जगह मैंने ऑलिव्स ले लिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सोया सॉस लिया है और जो सा है वो इसके बाद में ड्रेसिंग के लिए जो हम फिल करेंगे, तो इसमें खीरा और जो सा पनीर हमें चाहिए होगा जी। फ्रेंड्स ये देखेंगे दोनों तरफ से अच्छे से हो चुका, इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकाल के फिर इसको रख के जाएंगे, सबको हम निकाल लेते हैं जी। अभी ये चिकन हो गया, इसको छुरी की मदद से अब हम बिल्कुल छोटा छोटा जो सा है ना इस तरह से देखें इसको स्लाइस काट लेंगे, इस तरह से इसको सारा काट लेते हैं। ये देखिए जी, ये चिकन को मैंने कट कर लिया इस तरह से, अब इसको हम बना लेंगे। अब जी जिस पैन में हमने चिकन फ्राई किया था उसी में अब हम ये प्याज और ये ऑलिव डाल लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। इस
ही होगा कि इसमें जो मसाला था उसका जो भी था फ्लेवर सारा ये वेजिटेबल्स में आ जाएगा। तो इसको बस हमें हल्का सा सौते ही करना है कि बस इनका कच्चापन दूर हो जाए। नरम नहीं करना इनको ज़्यादा ना, इनका क्रंच थोड़ा सा रहने देना। और एक साथ इसमें मैं 1 टीस्पून सोया सॉस जो था वो डाल दूँगी, 1 टीस्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस जो थी वो डाल देती हूँ। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सारा चिकन वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से ये भी हमारी जो पनीरी है उसकी फिलिंग बिल्कुल तैयार है। जबरदस्त, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम ब्रेड बना लेते हैं पनीरी की। ये पैन एक मैंने ले लिया है, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं एक सांसी रख दूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे इनको मुझे रखना, इसको मैं कवर कर दूँगी। देखिए ये तकरीबन थोड़ा सा डबल हो चुका है और इसमें बबल्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर इसका मैं ढक्कन उठाऊँगी और इसको मैं पलट लेती हूँ। तैयार हो के अब इसको निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी सब भी हम सेक लेंगे। ये देखिए सैंडविचेस हमारे बन के तैयार हैं और ये देखिए कितने डबल खुले हैं। अब यहाँ पे जो हम इसकी सॉस तैयार कर लेते हैं, इसके लिए मैं थोड़ी सी मेयोनीज ले रही हूँ। साथ ही इसमें थोड़ी सी केचप ले लूँगी, मेरे पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है यहाँ पे, सूदिया में अवेलेबल नहीं होती, पता नहीं क्या मसला है। तो आप इसमें चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं स्पाइस के लिए। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे तो ये इसकी सॉस रेडी हो जाएगी। इसकी सॉस रेडी हो गई, अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। इसमें देखिए कितने आराम से ये और कितने अच्छे से ये बना है, कट भी हो रहा है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे। देखो वेट करोगे बना रही हूँ, सॉस लगा देंगे अच्छी तरह से। असल में सॉरी मैं ज़रा जल्दी जल्दी करने लगी क्योंकि तैयबा मेरे सर पे आ गई है, सवार हो चुकी है और वो शोर भी कर रही है, तो मुझे वीडियो बनाते पर ज़रा मसला हो रहा है। तो इसको अच्छी तरह से हम इसे फैला देंगे। अच्छी तरह कवर करते जैसे भी कवर करनी है अच्छी तरह। इसके ऊपर थोड़ा सा स्पाइसी इसको करने के लिए, मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ ये रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है। और साथ ही इसमें मैं चिकन और वेजिटेबल्स ये डाल दूँगी, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तैयबा प्लीज़ बेबी गो
गया जी, और लास्ट में इसके ऊपर जो सा है वो ये आपकी चॉइस है, आप करना चाहें तो ठीक है, वैसे पनीनी में होते तो नहीं है। और इसके ऊपर हम चीज़ की लेयर डाल देंगे इस तरह से। अच्छी तरह से इसको हम इससे कवर कर देंगे और ये पनीरी सैंडविच रेडी है। अब इसको हम ग्रिल कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैं दोबारा से पैन पे रख चुकी हूँ। असल में इसको रखते इस वक्त ग्रिल पे हैं, या तो ग्रिल पैन हो या इसको ग्रिल कर लेते हैं। मेरे पास दोनों ही चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है। असल में जो मेरे पास ग्रिल था मैंने उसको भी ऑन करके देखा है तो वो ऑन ही नहीं हो रहा, वो इलेक्ट्रिक था, पता नहीं उसको क्या मसला हुआ है। तो सॉरी उसके लिए। अब ये है कि आप इसको जो से ना, अगर आपके पास चूल्हे पे पैन है जो ग्रिल वाला होता है चूल्हे वाला, वो अगर आप उस पर भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो सा है वो इलेक्ट्रिक जो आपके पास ग्रिल है उस पर भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको इसी पे करूँगी ताकि इसका चीज़ जो सा है वो मेल्ट हो जाए। जी फ्रेंड्स, तो पनीर सैंडविच हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, आप खुद देख सकते हैं सैंडविच का हाल। इसको हम कट करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं थोड़ा सा तिरछा कट करूँगी। इसको मैं ऐसे तोड़ के भी आपको दिखा दूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसी तरह बाकी सब भी बना लेंगे। ओके जी फ्रेंड्स, तो ये बन के तैयार है। तो अब इसके हम बाइट लेके देखते हैं। बहुत ही मज़े का बना, ब्रेड भी और अंदर की फिलिंग भी और क्रंच इतना टेस्टी इसका, इतना ज़बरदस्त। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ या एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।